नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 13 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही नामांकन प्रक्रिया आज खत्म हो जाएगी और इन सीटों पर आज जम के नामांकन आने की संभावना है। आपको बता दें कि उम्मीदवार 16 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इन विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के साथ संबंध बिगड़ने की वजह से आखिरकार ऐन मौके तक सरकार नहीं बन पाई और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। हालांकि शिवसेना ने अभी भी बीजेपी से सुलह के दरवाजे खोल रखे हैं। आपको बता दें कि इसका संकेत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना से रिश्ता तोड़ा है, शिवसेना ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अयोग्य विधायकों की याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है और अब वह 17 विधायक चुनाव में खड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि इन 17 बागी विधायकों को 6 साल के लिए अयोग्य करार दिया गया था। आपको बता दें कि ये बागी विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान गैर हाजिर रहे थे, जिससे कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा पटक के बीच लागू हुए राष्ट्रपति शासन पर कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने टिप्पणी की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में लिया गया है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बावजूद शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। शिवसेना चाहती है कि एनसीपी के साथ गठबंधन के बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे, जिससे महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया जा सके। आपको बता दें कि एनसीपी ने शिवसेना के सामने सरकार बनाने के लिए वही 50-50 का फॉर्मूला रखा है जो शिवसेना ने बीजेपी के सामने रखा था। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही बिखराव की खबरें सामने आने लगी है। पहले झारखंड में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अलग चुनाव में खड़े होने का ऐलान किया। इसके बाद एजेएसयू ने भी तल्ख तेवर दिखाए और अब रामविलास पासवान की पार्टी एलजीपी भी झारखंड में अकेले चुनाव में खड़े होने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि बीजेपी के नेता इसे ज्यादा गंभीर नहीं मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसीलिए उत्साहित है कि उनकी नजर में एनडीए सरकार गिर सकती है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बेटे अबीर और उनसे संबद्ध कंपनी कथित रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के उल्लंघन पर ईडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। आपको बता दें कि एजेंसी ने अबीर लवासा और नॉरिस ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस साल प्राप्त 7.25 करोड़ रुपए की जांच के लिए दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच अब पुराने ट्रस्ट आपस में नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि श्री राम जन्मभूमि न्यास को मंदिर बनाने का अधिकार है, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रमालय ट्रस्ट खुद का संवैधानिक अधिकार जता रहे हैं और वहीं जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास को सरकार के ट्रस्ट में शामिल करने की बात कह रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार आज कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया और हल्की तेजी के साथ खुलते हुए सेंसेक्स आज 1.35 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 40,346.43 पर खुला है। वहीं निफ्टी करीब 5 अंकों की गिरावट के साथ 11,908.30 पर खुला। दिल्ली में लाखों कोशिश करने के बावजूद भी एयर पोल्यूशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काफी दिनों की राहत के बाद आज फिर दिल्ली की लोधी रोड पर पीएम 2.5 एयर क्वालिटी इंडेक्स में 500 का स्तर देखा गया। यह बेहद गंभीर स्थिति है। वहीं मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार आज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इमरजेंसी जोन में आ सकता है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर समय रहते कांग्रेस की ओर से फैसला नहीं लेने को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोनिया गांधी के सलाहकारों को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी यही चाहती थी कि शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बने और कांग्रेस ने वही किया। सुप्रीम कोर्ट में आज शिवसेना राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शिवसेना राष्ट्रपति शासन को फिलहाल चुनौती नहीं देगी। जहां सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल शिवसेना का पक्ष रख सकते हैं और खबर है कि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दायर कर सकती है।
लता मंगेशकर पिछले दो दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। देश भर में लोग उनके जल्द ठीक होने के लिए दुआएं कर रहे हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि आईसीयू में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही लता मंगेशकर के लिए उनकी गायकी ही इस समय सबसे बड़ी ताकत बन रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के 131 साल के इतिहास में पहली बार रौला खलफ इसको संपादित करने वाली पहली महिला बन जाएंगी। आपको बता दें कि खलफ ने सलमोन पिंक न्यूज़पेपर में दो दशकों से अधिक समय के दौरान उप संपादक, विदेशी संपादक और मध्य पूर्व संपादक के रूप में कार्य किया है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस ने अक्टूबर में कुल 3.70 करोड़ रुपए की कमाई की है, जहां इस दौरान ट्रेन को कुल 70 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। IRCTC की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि दिल्ली लखनऊ के बीच 5 से 28 अक्टूबर तक यानी 21 दिन ट्रेन को चलाया गया। इस दौरान ट्रेन पर रोजाना करीब 14 लाख रुपए का खर्च आया, वहीं यात्रियों के जरिए 17.5 लाख रुपए रोजाना कमाई हुई। गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि केंद्र और राज्यों को विशेष रूप से गाय हॉस्टल के लिए हर शहर में 10-15 जगह आवंटित करें, जहां आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया ने बताया है, मैं पहले ही शहरी विकास मंत्रालय को गाय छात्रवासों के लिए एक दिशा निर्देश बनाने का अनुरोध कर चुका हूँ, जिसे शहरी नियोजन ढांचे में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी की सरकार बनती है तो 2 साल के अंदर यहां से प्रदूषण की समस्या खत्म कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2015 में दिल्ली में DTC के पास 8,000 बसें थी, जो अब घटकर 3,700 हो गई हैं। चुनाव में आपने अधिक बसें दिल्ली में लाने का वादा किया था, लेकिन इसके विपरीत बसों की संख्या घट गई। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के तमाम उठा पटक के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी के शासन में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो। आपको बता दें कि साल 2014 के बाद से देश के 4 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। आखिरी बार जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था वह था जम्मू कश्मीर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद आज से जम्मू संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां डोडा, भद्रवाहा और रामबन में लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि विशेष राज्य के दर्जा हटने के बाद आजाद का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्हें 3 बार एयरपोर्ट से वापस दिल्ली भेजा जा चुका है। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर पावन नगरी सुल्तानपुर लोधी में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 15 लाख से अधिक श्रद्धालु ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री बेर साहिब में नतमस्तक हुए। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्नी सहित गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में मत्था टेका और बाहर खड़े श्रद्धालुओं से मिले। तो ये थे दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।